और वही काबुल सीरियल ब्लास्ट पर अभी की बड़ी खबर यह है कि आईएसआईएस ने काबुल धमाके की जिम्मेदारी ली है। देखिए ये ऑफिशियली अपनी जिम्मेदारी ली गई है। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वही हुआ, आईएसआईएस ने हमला किया, निशाना बनाया। आतंकी अब्दुल रहमान अल लोघरी का हमलावर था वो, जिसका नाम बताया जा रहा है, और आतंकी अब्दुल अल लोघरी ने धमाका किया, ये अटैक किया है। आईएसआईएस के का आतंकी था अब्दुल रहमान। आईएसआईएस के को लेकर लगातार जो बाइडन भी बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि बड़ा हमला हो सकता है, और आखिर हुआ वही बड़ा धमाका हुआ। और जिस आतंकी की हम बात कर रहे हैं, अब्दुल रहमान अल लोघरी, ये वही आतंकी है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस वक्त, उसी आतंकी की ये तस्वीर है जिसने इस धमाके को अंजाम दिया है, जिसमें अमेरिकी मरीन्स भी मारे गए हैं और लोकल जो रेजिडेंट थे वो भी मारे गए, अफगानिस्तान के लोग भी मारे गए, बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। और कहीं ना कहीं इसके बाद से पूरा का पूरा मामला बदलता पलटता नजर आ रहा है। अभी तक जो स्ट्रैटेजी वहां से इवैक्यूएशन की चल रही थी उसमें भी बड़े परिवर्तन के संकेत जो बाइडेन ने दे दिए हैं। तो आपको हम बताते हैं कि आखिर ये जो ब्लास्ट हुए एक के बाद एक जो धमाके हुए हैं उसकी जो टाइमलाइन है वो क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। शाम 7 बजे काबुल एयरपोर्ट के बाहर पहला धमाका होता है और शाम 7:15 पर पेंटागन ने हमले की पुष्टि कर दी। रात 8 बजे बैरन होटल के पास दूसरा धमाका हुआ, दूसरा ब्लास्ट हुआ। रात 8:10 पर यूएस ने अपने नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की। रात 8:45 पर अमेरिका ने इमरजेंसी बैठक की और रात 10 बजे आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली। रात 10:30 की बात करें तो काबुल में तीसरा धमाका होता है और 12 बजे काबुल में कई सारे ब्लास्ट होते हैं, एक के बाद एक कई धमाके होते हैं। रात 3 बजे बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इमरजेंसी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। रात 3 बजे आईएसआईएस हमले का ऐलान करता है, जिम्मेदारी लेता है। तो ये एक पूरी की पूरी श्रृंखला हम आपको बता रहे कि कैसे काबुल एक के बाद दहलता गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।